दोस्तों, काफी लोगों का मन जा रहा है मुझे कि सर आप जॉनसन क्लिप पे आप वीडियो बनाइए। तो जॉनसन क्लिप के सारे वीडियो तो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे मैक्सिमम, पर फॉल्ट है ना SP1 SP2 जो कंट्रोलर होता है जो होम के लिए काफ़ी यूज़ करता है जॉनसन, तो वो लिफ्ट का कम वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा आपके लिए यही वीडियो बना लूँ और आपको बता दूँ कि कैसे फॉल्ट देखते हैं, क्या कंडीशन होता है फॉल्ट का, क्या क्या सोल्यूशन होता है, वो इस वीडियो में डिस्कशन कर लूँ। तो इस वीडियो में ये बताने से पहले दो चीज़ और मैं बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे देख रहे हो डिस्प्ले के साइड में दो LED है, एक तो लेवल और एक रनिंग। जब भी लिफ्ट लेवल पे होगी तो लेवल की LED जलेगी और जब भी रनिंग करेगी तो ये रनिंग की LED ब्लिंक होगी। अगर ब्लिंक नहीं होगा इसका मतलब लिफ्ट रनिंग नहीं कर रही है, कोई दिक्कत आ गई। ओके दोस्तों, ये दो LED हुआ। एक आप LOP के डिस्प्ले का बता देता हूँ। LOP डिस्प्ले में RE आ रहा तो मतलब इंस्पेक्शन मोड में, और AU आ रहा तो इसका मतलब हो गया लिफ्ट ऑटोमेटिक रेस्क्यू में है। अगर PO आ गया तो लिफ्ट पोजीशन रिसेट के लिए रेडी है। पोजीशन रिसेट मतलब बॉटम फ्लोर पर जाकर रिसेट होगी, ये देख लेना है। अब फॉल्ट की बात करें तो FLR मतलब फ्लॉर हो गया। अब फॉल्ट नंबर मतलब होता है कि इसमें जो भी फॉल्ट आएगा तो यहाँ पे एक डिजिट बनेगा नंबरिंग बेस पे, तो आप उससे आपको एक रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड में चेक करके आप देख सकते हो क्या फॉल्ट है। PDF होता है फॉल्ट का, अब बताया जाता है क्या सोल्यूशन है, क्या रीजन आने का, तो आप उसको चेक करके कर सकते हो। चलो मैं उसको आपको डिस्कस करके बताता हूँ कैसे चेक करना क्या ना आता। तो ये मैंने PDF खोल लिया है, ये PDF है, जो भी एरर आता सारा कम्प्लीटली एरर 2032 तक होता है इसका एरर। गाइज इसमें क्या है, एरर की बात करें तो एरर 01 से लेके 32 तक होता है। 32 में सबसे पहले हम देखते हैं 01 का एरर क्या होता। 01 में होता क्या, अगर इन्वर्टर इसकी ट्रिप कर जा रही है तो आपको 01 का एरर आएगा, क्योंकि वहाँ से एक इनपुट लिया जाता है ड्राइव से कार्ड पे, तो वो होता है। तो आपको देखना पड़ेगा ड्राइव ट्रिप तो नहीं है, फॉल्ट नहीं आ रहा। तो कीपैड के लिए कीपैड का ऑलरेडी कनेक्टर होता आया हुआ, यही बॉक्स में जो HMI बॉक्स होता ना उसी में एक कनेक्टर आया होता है, ड्राइव से कनेक्ट हो गया, तो उसमें आप कीपैड लगा के चेक कर सकते हो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट होता है इमरजेंसी लैंडिंग। इसका मतलब ये होता है 02 का कि इन केस लिफ्ट ओवर, कोई एक्सटर्नल फॉल्ट है लाइक ओवरलोड हिट हो गया या ओवरलोड हो गया, कुछ ऐसा का फॉल्ट आएगा तो आपको ये फॉल्ट आएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट लिफ्ट नॉट रनिंग इन डोर इज नॉट डोर जोन। मतलब ये होता है 03 का कि अगर लिफ्ट है ना बीच में खड़ी हो जाती है ना तो वो रनिंग नहीं करेगी, ठीक है, आपको डोर जोन इंडिकेशन करवाना पड़ेगा, डोर जोन पर ले जाना तभी डोर क्लोज होता है, कि डोर खुला रहेगा उसका सेफ्टी आएगी नहीं चलेगी। उसके बाद होता है डोर जोन अनचेंज बट लिफ्ट इज रनिंग मोशन। इसमें क्या होता है कि डोर मिसिंग करती है ना तभी ये फॉल्ट आता है। 05 ओपन डोर मोशन ओवर टाइम। इसका मतलब ये होता है जैसे ओपन का कमांड दिया डोर ड्राइव को, डोर ड्राइव ने ओपन नहीं किया डोर को, तो ये फॉल्ट आएगा। 05 06 में क्या होगा, ये सेम दोनों एरर है ओपन क्लॉज का, जैसे कमांड दे दिया तो टाइमिंग होता है 6 सेकंड, 6 सेकंड में ओपन होना ही चाहिए, अगर नहीं होता DCB बटन होता दो ओपन क्लोज का बटन, वो बटन अगर इनकेस अटक जाता है परमानेंट सिग्नल आ जाता है उस पर तब ये फॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। इस नॉर्मल फॉर बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मास्टर कम्युनिकेशन एरर। इसमें दो कार्ड होता है, एक मास्टर कार्ड होता है एक प्रोसेसर कार्ड होता है, दोनों के बीच में एरर आएगा तो ये एरर आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद है फायर मोड एक्टिवेट स्विच, अगर इनकेस हमने फायर स्विच ऑन हो गया या किसी भी तरह का फायर सिग्नल आ गया तो ये आएगा। बॉटम लिमिट स्विच फेलियर, बॉटम की लिमिट स्विच होती है ना वो फेलियर होती है इसीलिए कि लिमिट स्विच NC होता है, वो NO हो जाएगा ना इनकेस या ब्लिंक कर गया तो ये फॉल्ट आएगा। फॉल्ट पावर फेलियर, इनकेस पावर की कटिंग हो जाती है सिंगल फेज प्रिवेंटर फेलियर हो जाता है, आपको पता है 3 फेज फेलियर तो आपको आएगा। बी ब्रेक कॉन्टेक्टर मोटर कॉन्टेक्टर का एक कॉन्टेक्टर का फीडबैक लिया जाता है, अगर फीडबैक में कोई दिक्कत आती तो ये फॉल्ट आएगा आपको। ARD बैटरी फेल, बैटरी की वोल्टेज जो होती है ना नॉट मतलब प्रॉपर नहीं आ पाती है, 52 से नीचे भाग जाती है, चार्जिंग नहीं पकड़ रही तो ये फॉल्ट आएगा। सेंसर स्क्रीन सेंसर फेल NC में होता है, अगर ये नहीं आएगा तब भी फॉल्ट आएगा। डोर जोन सेंसर फेल, लेबलिंग स्विच सस्पेंड, अच्छा चलिए RLD वायर इज ओपन, हाँ दो सेंसर लगा था RU और RLD सेंसर फेल होगा तब आएगा। कार्टअप OSG एक्टिवेट, वो भी कार्ड से होता है। CTV OSG एक्टिवेट, ठीक है। काउंटर वेट कार्ट ऑफ इमरजेंसी स्विच एक्टिवेट, एक्टिवेट जहाँ भी है जो स्विच का मतलब ऑन हो गया, वो NC है वो ऑफ हो गया तो आपको चेक करना है। कार डोर कॉन्टेक्ट रनिंग करने में कार डोर का कॉन्टेक्ट सेफ्टी ना लैंडिंग ये आ गई तो वो भी फॉल्ट आएगा। लैंडिंग की लिख हो गई तब भी आएगा। पिच स्टॉप स्विच एक्टिवेट, डाउन डायरेक्शन लिमिट एक्टिव, अप डायरेक्शन लिमिट, ड्राइव मोटर कॉन्टेक्ट आउटपुट फेल, ब्रेक मोटर कॉन्टेक्ट आउटपुट फेल, अच्छा CCB एफ कॉन्टेक्टर CC अपी रियल इनकोरेक्टिव, तब आपको इन मेंटेनेंस मोड 00, नॉर्मल मोड AU, रेस्क्यू मोड मैंने बता ही दिया था आपको कि डिस्प्ले में RE आ रहा मतलब लिफ्ट इंस्पेक्शन मोड में चली गई। अगर आपका
एफएम आएगा तो फायर तो नॉर्मली है, और उसमें एक और आता है पीओ, पोजीशन रिसेट। पोजीशन का मतलब है वो बॉटम फ्लोर पर जाएगी। और एक और होता है ओटी, काफ़ी सारा जो इंडिकेशन है वो एलओपी के डिस्प्ले में ही आ जाता है, तो आप उसको इंडिकेशन कर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा ये कंटेंट? आप यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब तो कर दो यार मेरे यूट्यूब चैनल को।